मन सबन को जोहार आलिंगे मासी देवगम आपन इलेतना कोलान अपडेट हो न्यूज चैनल होला दिलांग गुरुवार मुसिंग कोल्हान यूनिवर्सिटी रन छात्र संघ अध्यक्ष मानतेन सनातन पिंगवा तिकिन अनायार रे येसुपुर पटुआ अंडो पटुणी को पश्चिम सिंहभूम रन डीसी मानतेन अनय मित्तल तिकिन लो नापाम के कल्याण विभाग पायते ओमाकान स्कॉलरशिप रा दिलांग बढ़ाव लागि आवेदन को इमाइए मानतेन पिंगवा तिकिन काजिकेडाची नैन सिर में नामाकान प्रक्रिया इसु चनाब ते होबाकान ते ना जों इसुपुर पटुए को स्कॉलरशिप फॉर्म का कोपरे तैये में डीसी साहब ओंडो कल्याण पदाधिकारी पाए ते नैन कुरुट पाइले आश्वासन को नाम किडा मानतन पिंगवा ते किन चिना किन काजी किडा मारबु ने लिया छात्र जो छात्रवृत्ति अप्लाई से वंचित हो गए हैं उन छात्रों से आज उन छात्रों के साथ हमारे समरालय पश्चिम सिंहभूम डीसी सर और जिला कल्याण पदाधिकारी से मुलाकात कर अपना मांग रखा और हमारे मांग यह है कि हमारे छात्रवृत्ति तिथि बढ़ाया जाए। कोरोना महामारी की वजह से कोल्हान विश्वविद्यालय का जो सेशन है छात्र हैं काफ़ी विलंब से चल रही है और उसी वजह से बहुत सारे विद्यार्थी ग्रामीण क्षेत्र से विद्यार्थी आते हैं उन विद्यार्थियों को अभी तक अप्लाई नहीं कर पाया उन विद्यार्थियों को भी मौका मिलना चाहिए। जब तक सभी विद्यार्थियों को मौका नहीं मिलेगा तब तक इसी तरह हम लोग यहाँ आके अपना बात रखेंगे। जोहार। मुलाकात कर आज हम लोगों ने छात्रवृत्ति तिथि बढ़ाने के संबंध में बात हुआ और उपायुक्त महोदय से भी बात हुआ कि हम लोग को आश्वासन दिया गया है कि बहुत जल्द इस पर अपने स्तर से कार्रवाई करके तिथि को बढ़ाया जाए और हम लोगों का मांग है बहुत सारे स्टूडेंट्स का पूरा कोल्हान के स्टूडेंट्स का मांग है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स अप्लाई करने के बाद 15 दिन का जो टाइम दिया जाता है वो भी नहीं मिला डायरेक्ट रिजेक्ट कर दिया गया है उसका भी मांग करते हैं उसका एडिट ऑप्शन भी दिया जाए और दोबारा डॉक्यूमेंट सबमिट करने का भी मौका दिया जाए। अगर जब तक हमारे छात्रवृत्ति तिथि नहीं बढ़ेगा तब तक इसी तरह हमारे साथीगण के साथ हम लोग संघर्ष करते रहेंगे और एडिट ऑप्शन का भी टाइम दिया जाए डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने का भी टाइम दिया जाए और आज तो ये तो बस अभी एक ही बार है आने वाला समय में इससे ज़्यादा जनसंख्या में आके हम लोग डीसी और जिला पदाधिकारी से मिलेंगे और जब तक डेट नहीं बढ़ेगा तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। जोहार।